स्टार्ट है। तो हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सभी। तो आज है हमारा वन शॉट का लेक्चर नंबर 5। एक सेकेंड, हाँ, तो आज है वन शॉट का लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में है बायोलॉजी से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इससे पहले हमने 4 टॉपिक कवर किया है एंड दैट टॉपिक वाज, पहला था हमारा सेल स्ट्रक्चर के बारे में, दूसरा सेल डिवीजन, तीसरा जो हमारा है दैट इज रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, एंड द फोर्थ लेक्चर था नर्वस कंट्रोल एंड इंडोक्राइन कंट्रोल, और एक और ह्यूमन फिजियो का लेक्चर आएगा आपके सामने दैट इज फ्रॉम एक्सक्रेशन और लोकोमोशन, एंड द लास्ट वन दैट इज, ये लास्ट में है पर आपको पहले मिलेगा ये, ठीक है ना। चलिए, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो जहां से लगभग हमारा 6 वन शॉट वीडियो आ रहा है और 6 × 2 यानी कि 12 चैप्टर कवर हो रहा है, और ये दिस 12 चैप्टर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ये 12 चैप्टर लगभग अप्रॉक्स 50% सिलेबस को कवर कर रहा है, यानी कि ये वो चैप्टर्स है जिसका वेटेज लगभग 50% है, यानी 100 क्वेश्चन में से 40+ क्वेश्चन मात्र इन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं। चलिए, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टर्म है हेल्थ। हम लोग डेली इस टर्म से यूजुअल होते हैं, हेल्थ सभी लोग बोलते हैं। हेल्थ सिर्फ अपने फिजिकल के बारे में नहीं बोलते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में बोलते हैं। आजकल सभी बच्चा जो है मोबाइल से एकोमोडेटेड है, तो कोई भी मोबाइल अगर खरीदता है तो सबसे पहले देखता है कि बैटरी का हेल्थ कैसा है ना। तो ये हेल्थ टर्म सिर्फ ह्यूमन पे अप्लाई नहीं होता, किसी भी चीज़ पे अप्लाई होता है। हेल्थ का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ का फंक्शनिंग है, उसका कोई रेंज है, तो अगर वो नॉर्मल रेंज में वर्क कर रहा है तो हम बोलेंगे कि उसका हेल्थ ठीक है। अगर वो नॉर्मल रेंज को छोड़ के एबनॉर्मल हो गया तब हम बोलेंगे कि दैट वॉज नॉट हेल्दी कंडीशन। जैसे कि हम जानते हैं कि हम 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं, तो अगर हम या कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमंस जो है, अगर 12 से लेके 16 के बीच में उसका ब्रीथिंग रेट होगा तो वो हेल्दी होगा। अगर 12 से 16 या तो 12 से नीचे आ जाए या 16 से ऊपर चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि एबनॉर्मल ब्रीथिंग करेगा ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन। ऐसा नहीं कि जब हम दौड़ रहे हैं तब बढ़ गया तो कोई गलत बात है, जब हम दौड़ेंगे उस समय हमारा हार्ट रेट, ब्रीथ रेट बढ़ जाता है, वो अलग कंडीशन की बात है। हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मली हम अगर खड़ा है या बैठे हुए हैं तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट होता है, और कोई इंसान सिमिलरली मेरे बगल में बैठा हुआ या तो उसका 16 से ज्यादा बढ़ के 20 हो गया या 12 से कम होके 8 हो गया, तब हम बोलेंगे कि उसके अंदर कोई हेल्थ इशू है, ही इज डिजीज्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज पर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस अराइव बाय द रिफ्लेक्टिव थॉट एंड असर्टेड बाय हिप्पोक्रेट्स, ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है वो कौन दिया, हिप्पोक्रेट्स दिया, और ये बोलते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। हेल्थ कैसा है, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, यानी आपके बॉडी की क्या उस समय की कंडीशन है और आपकी माइंड की कंडीशन क्या है, और दोनों का इंटरेक्शन। देखिए, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। ह्यूमर्स मतलब दोनों के बीच में तालमेल बन रहा है कि नहीं। आपका माइंड अगर सही है, आपका जो थिंकिंग है वो अगर सही है, आपका मेंटल हेल्थ सही है तो फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका फिजिकल हेल्थ सही है तो मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका टोटल और ओवरऑल अगर हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ। तो जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था, जो कि दिया गया हिप्पोक्रेट्स के थ्रू, उनके कहने का मतलब है कि आपका जो ओवरऑल हेल्थ है वो एक बैलेंस हो करता है आपके माइंड और आपके बॉडी के हेल्थ के बीच में। दैट दिस वाई जो पुराने प्रिमिटिव लोग थे, हमसे पुराने 100 साल पुराने लोग, 200 साल पुराने लोग, वो योगा प्रैक्टिस करते थे। आजकल के लोग सिर्फ फिजिकल फिटनेस की ध्यान रखते हैं, वो जिम वगैरह जाते हैं, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट योर फिजिकल फिटनेस, नॉट योर मेंटल फिटनेस। बट जो योगा है उसमें फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान जाता है, क्योंकि योगा में हमारा क्या होता है, मेंटल एक्सरसाइज भी होता है। तो हमारे जो पुराने लोग थे उन्हीं में से एक लोग हैं हिप्पोक्रेट्स, वो बोलते थे कि जो हेल्थ है वो ओवरऑल किसके बीच का कंडीशन है, किसके बीच का बैलेंस है, माइंड के और बॉडी के बीच का बैलेंस। तो ये पुराना डेफिनेशन था हेल्थ का। देखिए, पर्सन विथ अ ब्लैक बाई बिलोंगेड टू हॉट पर्सनालिटी एंड फीवर्स, ये
सोच था, थ्योरी था कि जिसके पास ब्लैक बाइल होगा उसका जो ब्लड होगा वो हॉट ब्लड होगा, उसी को फीवर आएगा, बट ये डिसअप्रूव हुआ था हार्ले विलियमसन के द्वारा। चलिए देखिए, विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, इसी को ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। यह किसके थ्रू डिस्कवर हुआ था? विलियम हार्वे के थ्रू। और यही दो चीज याद रखना आपको कि विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन, एंड द सेकेंड थिंग क्या कि विलियम हार्वे डिसअप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। देखिए, डिसअप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को भी डिसअप्रूव किए कि सुनिए भाई कि जिसके पास ब्लैक बाइल होगा सिर्फ उसी के पास फीवर होगा, और वो सिर्फ वही पर्सनालिटी जो है हॉट ब्लड बिलोंग करता है, ऐसा बात नहीं है। हमारे ब्लड में या हमारा ब्लड हॉट पर्सनालिटी है या ब्लड है, हमारा कोल्ड ब्लडेड, हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल है या हॉट ब्लडेड वार्म ब्लडेड एनिमल है, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंड करता है, ना कि हमारे पास ब्लैक बाइल है तो हमारा ब्लड हॉट होगा और हमारे पास ब्लैक बाइल नहीं है तो हमारा ब्लड हॉट नहीं होगा, सिर्फ ब्लैक बाइल वाले को फीवर होगा और ब्लैक बाइल वाले को फीवर नहीं होगा। ये गलत बात था, इसको डिसअप्रूव कौन किया? दिस विलियम हार्वे। और दूसरा चीज, ये क्या डिस्कवर किए? दिस ब्लड सर्कुलेशन। चलिए बहुत बढ़िया, अगला फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। बच्चा हेल्थ कैसे कैसे अफेक्ट हो सकता है? सबसे पहले आप लोग को बोला जाता है कोई भी चीज आप अगर गड़बड़ी करते हैं, जैसे कि हम आपको अगर हिदायत देंगे तो क्या बोलेंगे कि बच्चा बाहर का खाना मत खाओ, धूप में मत जाओ, कोई गंदी चीजों को मत छुओ, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हेल्थ को खराब करते हैं। हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, देखिए पहला चीज, मेंटल स्टेट, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड लाइफ स्टाइल, ये चार चीज जो है आपके हेल्थ को खराब कर सकता है। पहला मेंटल स्टेट, आप खुद सोचिए जब आप स्ट्रेस में होते हैं, अभी एग्जाम आने वाला है, ऑब्वियस ही बात है पढ़े होंगे बच्चे और नहीं पढ़े होंगे बच्चे, दोनों को स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस के कारण क्या होता है? बच्चा भूख नहीं लगता है, नींद नहीं लगता है, तो मेंटल स्ट्रेस जो है आपके कहीं ना कहीं हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, पहला चीज। दूसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो हमारे पेरेंट्स को होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को होते हैं, और वो हमारे अंदर भी इनहेरिट हो जाता है, इसी को जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो कुछ ऐसे डिजीज है, अब अगर मदर फादर से हमारे अंदर डिजीज हो गया तो हमारा हेल्थ वो भी खराब कर दिया। इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शन हमारे हेल्थ को खराब करते हैं। लास्ट ऑप्शन इज लाइफ स्टाइल, अगर आप ढंग से सोइएगा नहीं, ढंग से खाइएगा नहीं, स्वच्छ खाना नहीं खाइएगा, स्वच्छ पानी नहीं पीजिएगा, तो भी आपका क्या है, आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहां रहते हैं वहां गंदगी है या साफ सफाई है, ये सारे आपके लाइफ, आप डेली नहाते हैं कि नहीं, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं कि नहीं, गंदा कपड़ा पहनते हैं या साफ कपड़ा पहनते हैं, है ना, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा एयर है, पॉल्यूटेड है कि फ्रेश एयर है, ये सारे लाइफ स्टाइल भी आपको क्या कर सकता है, हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो दिस आर द फैक्टर विच अफेक्ट द हेल्थ। देखो बच्चा, ये वन शॉट वीडियो, वन शॉट वीडियो में क्या किया जाता है, फर्दर बाकी जगह मैं बता रहा हूं कि वन शॉट वीडियो में सिर्फ टॉपिक का नाम रख के बोल दिया जाता है, पर मैं बायोलॉजी में एक पॉइंट लेके आ रहा हूं, ऐसा एनसीईआरटी का कोई पॉइंट ही नहीं होगा जो मैं छोड़ रहा हूं, इसीलिए मेरा थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको 0.75x पे देख लेना, बस यही करना, आपसे बस यही चाहिए। और आपको जरूर कमेंट करके, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मेरा चौथा पांचवा वीडियो होगा लेकिन आप लोग का व्यूज नहीं आ रहा, आप लोग का सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है हमको ये वन शॉट देने का, इतना बोलने का। आप एक घंटा जब यहाँ पे खड़ा होकर लगातार दो घंटा बोलते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि कितना एनर्जी लगता है, कितना प्रेशर लगता है, कितना एंथुसियाज्म लगता है, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। तो इस मेहनत को थोड़ा सा बच्चों अप्रिसिएट करेंगे ना, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा प्यार दिखाएंगे, तो और अच्छा करने का मन करता है। तो आपको 0.75x पे देखना है स्पीड, प्लेबैक स्पीड करके, और बस समझना है चीजों को, बाकी एकदम ऑल ओवर कंप्लीटेड है, इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। बायोलॉजी पोर्शन है ना बच्चा, इसमें थ्योरी भर भर के होता है, थोड़ा स्पीड रखना पड़ता है। चलो कंडीशन ऑफ हेल्थ की बात करें, इंक्रीजेस, हेल्थ बढ़ गया या डिक्रीज हो गया। अगर हेल्थ बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपका लॉन्गेविटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगा, और इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी, यानी कि हेल्थ अगर अच्छा हुआ तो और खराब हुआ तो क्या क्या फर्क है। अगर अच्छा हुआ तो, अच्छा होगा तो आप काम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, आप ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। अभी मेरा हेल्थ अच्छा है, मैं दिन में 3-4 क्लास ले सकता हूँ, मेरा हेल्थ खराब होगा मैं एक भी क्लास नहीं ले सकता हूँ। दूसरा क्लास, आप ज्यादा दिन तक जीजिए, मतलब आप लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रहिएगा, दूसरा चीज। उसके बाद आप लोग सोसाइटी को एक
इकोनॉमिक बूस्ट दे सकते हैं। जितना ज्यादा हेल्दी आदमी होगा उतना ज्यादा अच्छा काम करेगा, उतना ज्यादा हमारा सोसाइटी बढ़ेगा। लेकिन अगर हेल्थ खराब होगा तो क्या होगा, डेथ रेट बढ़ेंगे। मतलब हेल्थ खराब होने से क्या होता है, डेथ होता है, चाहे बच्चा मरे तब, चाहे बूढ़ा मरे तब, चाहे कोई भी मरे, तो मतलब डेथ रेट इंक्रीज होता है अगर हमारा हेल्थ खराब हुआ तो। चलिए अगला, अब डिजीज क्या है बच्चा, डिजीज सुनिए। हेल्थ का अगर हेल्थ है नॉर्मल फंक्शनिंग तो डिजीज क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल फंक्शनिंग। हेल्थ मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग तो डिजीज क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल फंक्शनिंग। देखिए, इट इज द स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम इज एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइन एंड सिम्टम्स। यानी हेल्थ का मतलब है बच्चा, हेल्थ का मतलब है कि जब आपका हेल्थ का मतलब है कि जब आपके अंदर, आप जानते हैं कि आपके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम, सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम, रीनल ऑर्गन सिस्टम, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, और सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके काम करते हैं और पूरे बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करते हैं। जब इसमें से कोई एक भी ऑर्गन सिस्टम या एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम अपना नॉर्मल फंक्शनिंग को छोड़ के एबनॉर्मल फंक्शनिंग करने लगेगा, तब आपके बॉडी में कुछ साइन और सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आपका हार्ट ब्लड पंप करना छोड़ देगा या कम कर देगा तो आपको क्या होगा, आपको दिक्कत होगा, है ना, आपको कमजोरी फील होगा। बात समझ में आ रहा है? आपका लंग्स अगर सांस लेना कम कर देगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स कब आ रहे हैं, जब आपके बॉडी के अंदर के कोई भी एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन काम करना छोड़ दिया, इसी को हम लोग डिजीज्ड कंडीशन बोलते हैं। आया बात समझ में, इसी को हम लोग डिजीज्ड कंडीशन बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पैरामीटर्स है डिजीज कैसे, नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाला। इन्फेक्शियस मतलब है कि मान लो ये एक इंसान है और इसमें से फैल के दूसरे इंसान में चला गया, इसको इन्फेक्शियस बोलेंगे। बट नॉन इन्फेक्शियस में फैलाव नहीं होता। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाता। फिर से सुनो, इन्फेक्शियस डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो जाता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं होता है। देखो, ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर नॉन इन्फेक्शियस नहीं होगा, इन्फेक्शियस होगा। एग्जाम्पल कैंसर, नॉन इन्फेक्शियस। कैंसर जो होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। बात समझ में आया? बहुत लोगों को मिथ है कि कैंसर जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, बट नहीं। इसीलिए कैंसर का एग्जाम्पल है नॉन इन्फेक्शियस के अंदर, और एड्स जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एड्स ऐसे छूने से, जिसको एड्स है आपको ऐसे छू देगा तो एड्स आपको नहीं फैलेगा। एड्स फैलता है बॉडी फ्लूड से। मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आपके ब्लड में आ गया, या उसके सलाइबा आपके सलाइबा में आ गया, कैसे भी उसके अंदर का बॉडी फ्लूड अगर आपके बॉडी फ्लूड के कॉन्टैक्ट में आ गया तब जाके एड्स फैलता है, नॉर्मल टच से नहीं फैलता है। आया बात समझ में? अब क्या है पैथोजन बच्चा, टर्म है पैथोजन। पैथोजन टर्म आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी के अंदर डिजीज करवाते हैं, बीमारी करवाते हैं, उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बीमारी करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन बोलते हैं। चलिए देखिए, मोस्ट पैरासाइट्स आर पैथोजेंस लिविंग ऑन द होस्ट, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज, रिजल्ट इन द मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। गट पैथोजेंस कैन सर्वाइव हार्श पीएच डाइजेस्टिव इंजाइम। जितने भी देखिए पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब क्या है, पैरासाइट का मतलब होता है जो आपके बॉडी पे डिपेंडेंट हो। दो टाइप्स के पैरासाइट होते हैं, एक तो इक्टो पैरासाइट, इक्टो मतलब बाहर, दूसरा इंडो पैरासाइट। ये जो आपके सर वगैरह में ये हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टिक, लाइस, LIC, क्या बोलते हैं हिंदी में, हम लोग तो ढील बोलते हैं, लाइस का हिंदी हमने, जो बाल में हो जाता है वो इक्टो पैरासाइट है, आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है वो अपना फूड लेने के लिए। और एक होता है इंडो पैरासाइट, जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, कुछ कीड़ा वगैरह पेट में, बोलते हैं ना पेट में कीड़ा हो गया, तो वो जो टेप बॉर्म है, वो जो टेप बॉर्म है वो आपके बॉडी के अंदर रहता है। तो जो आपके बॉडी के ऊपर रहता है उसको इक्टो पैरासाइट बोलते हैं, जो बॉडी के अंदर रहता है वो इसको इंडो पैरासाइट बोलते हैं। तो जो पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी पे डिपेंडेंट है फूड लेने के लिए, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो पैरासाइट है वो हानिकारक ही हमारे बॉडी में क्या करवाता है, हमारे बॉडी पे रहेगा भी और वहां से खाना भी खाएगा और हमको उल्टे में बीमार भी करेगा। बढ़िया काम नहीं करेगा हमारे बॉडी में, उल्टा हमको बीमार भी कर देगा। आया बात समझ में? ठीक। अब देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर बात करेंगे डिजीज की, डिजीज की बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज होगा, वायरल डिजीज होगा, प्रोटोजोअल डिजीज होगा और हेलमिंथिस के थ्रू डिजीज होगा। यानी कि ये सारे डिजीज है। पहला डिजीज जो बैक्टीरियल डिजीज है उसका एग्जांपल दे रखा है न्यूमोनिया और डिप्थेरिया।
न्यूमोनिया और डिप्थीरिया, वायरल डिजीज की बात करेंगे, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, प्रोटोजोअल डिजीज और हेलमेंथिस डिजीज। तो देखिए बैक्टीरियल डिजीज का कितना एग्जांपल है, न्यूमोनिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टेटनस हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया और सिफिलिस हो गया। इतने सारे एग्जांपल किसके थ्रू, ये सारे डिजीज, ये जो फर्स्ट कॉलम में डिजीज लिखे हुए हैं आपको याद करना है, ये कैसे होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। वायरस के थ्रू होता है कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, चिकनगुनिया, डेंगू, एड्स, ये सभी के सभी जो बीमारी है वो वायरस के थ्रू होता है। अगर बात करेंगे प्रोटोजोआ के थ्रू, तो प्रोटोजोआ के थ्रू एमोबियासिस, मलेरिया, आप लोग सुने होंगे मच्छर काटने से मलेरिया होता है, मलेरिया कैसे होता है, प्रोटोजोआ के थ्रू। ट्राइकोमोनियासिस, ये भी होता है प्रोटोजोआ के थ्रू। हेलमिंथिस वाला डिजीज, एस्कैरियासिस और फाइलेरियासिस, फलेरिया तो सभी लोग सुने होंगे, पैर जिसमें बहुत फूल जाता है, ये किसके थ्रू होता है, हेलमिंथ्स के थ्रू होता है। तो ये चार कैटेगरी है कि कौन सा बीमारी कौन करवाता है, ये बैक्टीरिया करवाता है, ये वायरस करवाता है, ये प्रोटोजोआ करवाता है और ये हेलमिंथस करवाता है, आपको एज इट इज याद कर लेना। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में तो थे नहीं, बाहर से आए हैं, तो हमारे बॉडी में बाहर से किस माध्यम से आए हैं, कैसे हमारे बॉडी में आए, वाटर के थ्रू आए, एयर के थ्रू आए, फूड के थ्रू आए, मच्छर के थ्रू आए, कैसे आए, वही लिखा हुआ है। तो ये डिजीज, अब जो ये सारे फर्स्ट कॉलम में जितने भी डिजीज है वो कैसे है, एयर ड्रॉपलेट से आए, हमारे बॉडी में कैसे आ गए बच्चा, हमारे बॉडी में, देखो क्या हो गया फिर से इसको, अच्छा देखो ये बैठ गया, हट हट, ये मक्खी आगे बैठ जाता है, उछलने नहीं देता। ये सारे हमारे बॉडी में एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू आए। मान लीजिए किसी को न्यूमोनिया हो रखा है, वो छींकेगा तो उसके जो उसका एयर ड्रॉपलेट निकला उसमें न्यूमोनिया वाला बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया हवा में आया, कोई दूसरा व्यक्ति जो पहले से स्वस्थ था वो एयर ड्रॉपलेट अपने अंदर इनहेल कर लिया, तो उसको भी क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा। दूसरा जो हमारा ये सेशन है वो कैसे होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, यानी टेटनस जो है, अगर बैक्टीरिया आपके बॉडी में डायरेक्ट, टेटनस का बैक्टीरिया आपके बॉडी में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा तभी जाके वो डिजीज होगा। चलिए अगला डिजीज है फूड और वाटर। आप सभी लोग जानते हैं कि टाइफाइड, देखिए यहाँ पे टाइफाइड है ना, टाइफाइड, पोलियो, एमोबियासिस, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, गंदा खाने और पीने के वजह से, देखिए कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से ये सारे डिजीज आपके अंदर होते हैं। और बाकी है इंसेक्ट, इंसेक्ट के वजह से, मच्छर काटने के वजह से जो है प्लेग होता है, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, बात समझ में आया। तो ये सारे जो डिजीज है नीचे जो लिखा हुआ है वो सारे के सारे मच्छर काटने के वजह से होते हैं, यानी उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्क्यूटो है। बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने से, आपका ब्लड और मेरा ब्लड एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से कुछ बीमारी होता है, लाइक सिफिलिस, एड्स और ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, एड्स और ट्राइकोमोनियासिस। तो ये सारे डिजीज है आपको याद करना है, ये बैक्टीरियल, ये वायरल, ये प्रोटोजोअल और ये हेलमिंथिस, और कौन डिजीज कैसे होता है वो आपको याद रखना है। क्लियर है बात, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए वेक्टर, अब ये वेक्टर क्या होता है बच्चा, वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे अगर हमको यहाँ से जाना होगा 2 किलोमीटर दूर, तो हम किस चीज पे बैठ के जाएंगे, मोटरसाइकिल पर। तो मेरा वेक्टर हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला कौन है, मोटरसाइकिल है। वैसे ही वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या करता है कि पैथोजन को, जो बीमारी कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, उसको उठा के होस्ट के अंदर, यानी कि हम होस्ट हैं तो हमारे अंदर लाके छोड़ देगा, तो हमको बीमारी हो जाएगा। ये जो ट्रांसपोर्ट का काम किया ना, बैक्टीरिया कहीं पे पड़ा हुआ था, वहां से उठा के हमारे बॉडी में लाके रख दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। देखिए ट्रांसमिट डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, बात समझ में आया, एक इंसान में से, एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट कर देता है डिजीज को, उठा के यहां से वहां कर देता है, इसी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो, डेंगू के लिए, आपके अंदर डेंगू, अभी हम दिखाए थे डेंगू होता है मच्छर काटने की वजह से, तो जो मच्छर काटने की वजह से डेंगू, यानी डेंगू का जो पैथोजन था उसको हमारे अंदर कौन लाया, एडिस मॉस्क्यूटो, और एडिस में भी कौन, एडिस में भी फीमेल एडिस, बात सुन लो बच्चा, चाहे वो इंसान हो या मच्छर हो, खून तो औरत ही चूसती है, बात समझ में आया, चाहे इंसान हो चाहे मच्छर हो, खून तो औरत ही चूसती है, चाहे वो मलेरिया हो चाहे वो डेंगू हो, दोनों के दोनों फीमेल मॉस्क्यूटो के काटने से ही होता है, आया बात समझ में। चिकनगुनिया वाइल एनोफिलिस स्प्रेड मलेरिया, देखिए जो एडिस मॉस्क्यूटो है, फीमेल एडिस, आप देख सकते हैं यहां फीमेल एडिस क्या क्या करवाता है, डेंगू और चिकनगुनिया, फीमेल एडिस मतलब एडिस का जो फीमेल वर्जन है उसके काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है, और जो एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलिस के काटने से मलेरिया होता है, बात समझ में आया, बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, अब देखिए ये पैरामीटर है कि आप कैसे, मेजर्स फॉर प्रिवेंशन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, आप अपने आप को इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं, पर्सनल हाइजीन, आप अपने आप को खुद स्वच्छ रखिए, ये आप पढ़ लीजिएगा, फालतू की बातें हैं। पब्लिक हाइजीन, देखिए
पर्सनल हाइजीन, आप खुद को नहाइए, ब्रश कीजिए डेली, खुद डेली स्नान कीजिए, अच्छे कपड़ा पहनिए, मतलब साफ साफ कपड़ा पहनिए, नेल वगैरह काट के रखिए, हेयर वगैरह सब साफ करके, इसको पर्सनल हाइजीन बोलता है। पब्लिक हाइजीन, मान लीजिए हम पब्लिक बस से जा रहे हैं, अब वहाँ पे 10 लोग 20 लोग एक बस में बैठे हुए हैं, अब उसमें से कोई एक बीमार होगा, वो छींकेगा बाकी और बीमार हो जाएगा। तो पब्लिक हाइजीन, पब्लिक टॉयलेट हो गया, उसको अच्छा बना के रखना है। अगर टैंक से पानी आ रहा है तो स्विमिंग पूल है, सारे को साफ करके रखना है, क्योंकि एक इंसान बीमार पड़ेगा तो उसके अगल बगल के सारे सराउंडिंग वाले इंसान परेशान होंगे। तो पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, क्लोज कॉन्टैक्ट, किसी भी बीमार पर्सन से दूरी बना के रखिए। जो अगर फैलने वाला बीमारी हो, मान लीजिए कोई फैलने वाला बीमारी है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, हम लोग को खांसी सर्दी लगता है ना, आप देखे होंगे कि घर में अगर किसी एक को खांसी सर्दी होगा तो सारे मेंबर को खांसी सर्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फैलने वाला बीमारी, वो एयर के थ्रू फैलता है। तो वैसे कंडीशन में अपने आप को, जो जिनको हो चुका है उनसे दूरी बना के रखिए, मतलब मास्क वगैरह पहन के रखिए। अगला चीज, कंट्रोल वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। जो मच्छर है, मच्छर बहुत सारा बीमारी का रीजन है, तो वो क्या कीजिए, जो वेक्टर्स है, मच्छर क्या है, वेक्टर, एक जगह से ऑर्गेनिज्म को उठा के, पैथोजन को उठा के दूसरे में इन्फेक्ट कर देता है, तो मच्छर के ब्रीडिंग को रोकिए, मच्छर को जन्म पनपने नहीं दीजिए। तो ये सारे मेथड है जिसके थ्रू आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, बैलेंस डाइट, योगा एंड रेगुलर एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन, अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड वैक्सीनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये जो अभी हम बताए वही लिखा हुआ है कि कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, आप यहां से देख लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव इनेबल्ड अस टू कंप्लीटली इराडिकेट डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया एंड टेटनस हैव बीन कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ वैक्सीन। देखिए आप लोग सभी ना कभी बचपन में देखे होंगे पोलियो का दवाई आता, पोलियो का दवाई दो बूंद जिंदगी का, देखे थे या नहीं देखे? दो बूंद जिंदगी का वाला स्कीम तो आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा। तो ये जो है इसको वैक्सीनेशन बोलते हैं, यानी कि आप लोग बच्चा का टीकाकरण सुने होंगे, है ना, जब छोटा बच्चा होता है 1 महीना से लेके 10 साल तक उसको लगातार सुई भोका जाता है। क्यों? टीकाकरण किया जा रहा है, उसके अंदर बीमारी के खिलाफ, जो बीमारी हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेचर में प्रेजेंट है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज डाले जा रहे हैं, ताकि उसका बॉडी जो है, उसका जो शरीर है वो क्षमता रोधक हो जाए, यानी कि जो बीमारी से लड़ने के लिए उसके पास क्षमता आ जाए, इसीलिए किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर सेफर वैक्सीन। पहले क्या होता था, बीमारी बच्चा, दो बीमारी ऐसा है कि कभी ठीक नहीं होता, जैसे कि हेपेटाइटिस बी और एड्स। एड्स तो अभी भी ठीक नहीं होता है क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई वैक्सीन नहीं है, पर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बना लिया गया है ना, थ्रू द न्यू टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आप सभी लोग जानते हैं कि नया, जो नया स्ट्रीम है साइंस में, नया खोज होता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी ऐड करके नया नया चीजों बनाया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से अभी हम लोग का हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बना के तैयार कर लिया गया है। ठीक, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेरियस ड्रग्स हैव इनेबल्ड अस टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शन। आपको पता है आप डेली बिना एंटीबायोटिक के आजकल कोई जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी बीमारी होता है डॉक्टर तुरंत एंटीबायोटिक लिख देता है, क्योंकि हमारे पास डेली हजारों के तादाद में बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है हमारे बॉडी को, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें डिजीज करवा देते हैं। अब उस बैक्टीरिया को मारना है तो क्या देना पड़ेगा, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। तो वैक्सीन और एंटीबायोटिक जो है, उसके बिना हम अपने आप का जीवन भी सोच नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए आगे देखिए, अब क्या है, कुछ बीमारी है, अब ये सारे बीमारी आपको याद रखना है कि टाइफाइड किसके थ्रू होता है, सेलमोनेला टाइफी के थ्रू होता है, इसका टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। टाइफाइड जो बीमारी है वो एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है सेलमोनेला टाइफी, और उस टेस्ट, हम लोग टाइफाइड को टेस्ट कैसे करेंगे, तो विडाल टेस्ट के थ्रू। कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। टाइफाइड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को खराब करता है। सिम्टम क्या है, हाई फीवर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, कमजोरी होगा, माथा दर्द होगा, कब्जियत होगा, पेट में दर्द होगा। सीवियर केस में क्या होगा, आपके इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे, आपके इंटेस्टाइन में छेद छेद हो जाएगा और आपका डेथ हो जाएगा। तो ये टाइफाइड के बारे में था। दूसरा जो डिजीज है न्यूमोनिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरियल डिजीज। तो ये दो डिजीज, टाइफाइड और न्यूमोनिया, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। चलिए इसके जो
इसका पैथोजन का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। यानी कि टाइफाइड कौन कराता है? सेल्मोनेला टाइफी। न्यूमोनिया कौन कराता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? लंग्स को। यानी कि न्यूमोनिया में आपका लंग अफेक्टेड होता है। सिम्टम के बारे में बात कीजिए, रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत होगा क्योंकि आपके एल्वोलाई में फ्लूइड भर जाएगा, फीवर होगा, चिल यानी कि बुखार आएगा, ठंडा लगेगा, कफ होगा, माथा दर्द होगा। और सीवियर केस में आपका जो लिप है और आपका जो नेल है, लिप और नेल में टर्न ब्लू ग्रीन। तो जो न्यूमोनिया है उस केस में आपका जो लंग्स है वो अफेक्ट होगा, और सीवियर केस में आपका जो लिप है और नेल है दैट विल टर्न इनटू ब्लू। अब देखिए, एक लेडी का नाम आता है टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी, जिनका पूरा नाम था मैरी मेलन, ये बाई प्रोफेशन एक कुक थी और बहुत दिनों तक ये कैरियर थी। किसकी? टाइफाइड की। बाई प्रोफेशन ये कुक थी और कैरियर थी किसकी? टाइफाइड की। अब चूंकि आप जानते हैं टाइफाइड जो बीमारी है वो गंदा खाने और गंदा पीने के वजह से होता, तो ये बाई प्रोफेशन कुक भी थी। तो बहुत दिनों तक क्या किए, अपने कुक के थ्रू, अपने कुकिंग के थ्रू ये बहुत लोगों तक क्या की, टाइफाइड को सर्व की साथ साथ खाने के साथ, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, टाइफाइड मैरी। चलिए अगला जो डिजीज है वो वायरस के थ्रू है, कॉमन कोल्ड। आप लोग डेली सर्दी खांसी हो जाता है ना, सीजन बदलने पे सर्दी खांसी जो हो जाता है उसी को हम लोग कॉमन कोल्ड बोलते हैं। कौन करवाता है? राइनो वायरस करवाता है। कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। ये नोज, आप सभी लोग जानते हैं कि जो सर्दी होता है उसमें ये नाक वगैरह में से पानी पानी आने लगता है, जाम हो जाता है, लाल लाल हो जाता है, तो ये नोज अफेक्ट करता है। सिम्टम्स की बात करें, नेसल कॉन्जेशन, नाक जाम हो जाना, सुअर थ्रोट, गला जो है खराश आ जाना गला में, हुअर्सनेस, आवाज भारी हो जाना, कफ हो गया, हेडेक और टायर्डनेस, आप थका थका फील करते हैं। कॉमन कोल्ड डिजीज नॉट इन्फेक्ट लंग्स एंड लास्ट फोर 3 to 7 days। न्यूमोनिया में आपका लंग इफेक्ट होता है, जबकि कॉमन कोल्ड में लंग नहीं, सिर्फ ऊपर का रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट होता है, और जो कॉमन कोल्ड है वो 3 to 7 days में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला जो डिजीज है वो हेलमिंथ्स के थ्रू होता है। कौन कौन सा? एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस बीमारी का नाम है, कौन करवाता है? एस्कैरिस, जिसको हम लोग राउंड वर्म भी बोलते हैं। कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है। सिम्टम्स, इंटरनल ब्लीडिंग, आपके अंदर से ब्लीडिंग होगा। एक तो बाहर कट लग जाए तो इसको एक्सटर्नल ब्लीडिंग बोलते हैं, और कुछ होता है आपके अंदर अंदर के ऑर्गन में कोई डिफेक्ट आ गया, मान लीजिए स्टमक में कुछ छेद हो गया, तो जो स्टमक से ब्लड निकलेगा वो बाहर नहीं आएगा, आपके जो है एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा, उसको इंटरनल ब्लीडिंग बोलते हैं। फीवर यानी कि बुखार, मस्क्यूलर पेन, मसल में दर्द होना, एनीमिया, ब्लड का कमी होना, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, आपका जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपको जो है स्टूल निकालने में दिक्कत होगा। चलिए अगला डिजीज है एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। फलेरिया कौन करवाता है? दो डिजीज का नाम दिया, बुचेरेरिया बॉर्नक्राफ्ट या बुचेरेरिया मलाई, यानी किसको? फाइलेरियल बॉम बोलते हैं। यानी दो पैथोजन का नाम दिया गया है, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और बुचेरेरिया मलाई। कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? लिम्फैटिक वेसल्स। और कौन सा लिम्फैटिक वेसल? लोअर लिम, नीचे वाले पैर के लिम्फैटिक वेसल्स जो है जनरली अफेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन्स, मतलब बहुत दिनों के लिए इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है ऑर्गन्स में, इन विच दे लिव फॉर मेनी इयर्स, रिजल्टिंग ग्रॉस डिफॉर्मिटीज ऑफ लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन। आपके पैर में या जेनाइटल्स को लंबा क्या कर देता है? इन्फ्लेम कर देता है, उसमें सूजन ला देता है, यही हमारा फाइलेरियासिस। आगे बढ़ते देखिए, ये फाइलेरियासिस का फोटो है, फाइलेरियासिस। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अगला जो डिजीज है फंगल डिजीज है। फंगल डिजीज का एग्जांपल रिंग बॉम, दिनाय, ठीक है, हिंदी में इसको दिनाय बोलते हैं, रिंग बॉम। कौन करवाता है? माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एपिडर्म। बच्चा अभी तक जो भी स्लाइड, ऐसा स्लाइड जो भी हम पीछे 2-3 देखे हैं, उसको एज इट इज याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है, एज इट इज रट लो। क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है? स्किन में हो जाता है, नेल्स में हो जाता है, और स्काप में हो जाता है। ये सारे जगह पे क्या हो जाता है? डिजीज हो जाता है, रिंग बॉम हो जाता है। इसमें क्या होगा? ड्राई स्कैलिलेशन इंटेंस। आपको पता है दिनाय में क्या होगा? सूखा सूखा सा ऐसा ऐसा रिंग बन जाता है, इस तरीके का रिंग बन जाता है, और ये सूख जाता है पूरा स्किन, जो लगेगा कि अब फट जाएगा, सूखा हुआ स्किन लगता है ना, और इचिंग बहुत ज़्यादा होता है। चलिए हीट एंड मॉइस्चर। बच्चा फंगस को ग्रो करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, एक तो हीट, गर्म चीज, और वहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए। तो जहां भी हीट और मॉइस्चर मिलेगा फंगस वहां ग्रो कर जाएगा। और ये सारे जगह कहां कहां मिलते हैं? स्किन फोल्ड में, सच एज ग्रोइंग और बिटवीन द टूस। ये जो पैर का उंगली होता है, पैर का उंगली आप लोग देखते होंगे कि वो सटा सटा होता है, तो जहां पे सटा हुआ जगह है ना हमारे बॉडी का, वहां पे मॉइस्चर हो जाता है और हीट भी होता है। तो ऐसे जगह पे, जैसे हमारा आर्मपिट हो गया, 2 जांघों के बीच में हो गया, ये सारे जगह पे क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है।
acquired from soil or belonging of infected person. Fungal infection कहाँ से होता है? या तो मिट्टी से, या आप towel use कर रहे हैं, अपना towel use नहीं किया, किसी और का towel use किया, और वो towel, वो fungal, उसको infection था, तो उसका infection आपके infection में आ गया। चलिए, अगला देखिए, यही है आपका ring worm, ये क्या है बच्चा? Ring worm है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगला जो डिजीज है वो है प्रोटोजुआन डिजीज। प्रोटोजुआ के थ्रू कौन सा डिजीज होगा? तो नाम है एमोबियासिस एंड एमोबिक डिसेंट्री। कौन करवाता है? इंटामीवा हिस्टोलाइटिका। कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। सिम्टम क्या है? कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, एब्डोमिनल पेन, यानी कि एब्डोमिन में पेन होगा, क्रैम्प्स होगा, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। आपके पैक जो स्टूल आएंगे ना, जो फीसेस आएंगे, उसमें ब्लड आएगा। चलिए, अगला जो डिजीज है मलेरिया। मलेरिया कौन करवाता है बच्चा? प्रोटोजुआ करवाता है। मलेरिया का जो पैथोजन, उसका नाम है प्लास्मोडियम वाइवैक्स, प्लास्मोडियम मलेरिया, प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लास्मोडियम अबेल। और सबसे खतरनाक है ये मोस्ट डेंजरस, जो फैल्सीपैरम है ना बच्चा, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है फैल्सीपैरम। और जो प्लास्मोडियम मलेरिया है, वही तो हमारा डिजीज करवाता है। कौन सा डिजीज? मलेरिया डिजीज। हट भाई, चल देखिए यहाँ पे। अब ये किसको अफेक्ट करता है? आरबीसी को अफेक्ट करता है। इसमें क्या क्या सिम्टम है? चिल होता है, यानी कि बुखार है, ठंडा लगेगा, बुखार होगा, तीन से चार दिन तक लगातार आएगा। इफ नॉट ट्रीटेड कैन प्रूव फैटल। अगर इसको ठीक नहीं किया जाएगा तो मलेरिया जो है जानलेवा भी हो सकता है। तो ये सारे चार्ट आपको एज इट इज याद कर लेने हैं। अब देखिए, हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर फॉर एमोबियासिस। ठीक है, अब आपको पता है जो हाउस फ्लाई है, एमोबियासिस को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाएगा? मक्खी। तो मच्छर और मक्खी ये वेक्टर के तौर पे काम करते हैं, इसलिए अपने घर में मच्छर और मक्खी को ना पनपने दें। चलिए, प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम कॉज मैलिग्नेंट मलेरिया मोस्ट सीरियस फॉर्म। बात समझे? तो अभी हम बताए भी थे कि सब फैल्सीपैरम जो है सबसे खतरनाक मलेरिया है, सबसे खतरनाक मलेरिया है। आगे देखिए, रप्चरिंग ऑफ आरबीसी रिलीज द टॉक्सिन सब्सटेंस हेमोजोइन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ डिजीज। मलेरिया के अंदर हर एक 3-4 घंटा में आपको फीवर आता है। अभी आप देखें कि मलेरिया में क्या इन्फेक्ट होता है? आरबीसी। तो मलेरिया जो है ना, प्लास्मोडियम मलेरिया, वो आपके आरबीसी में रहता है और आरबीसी में इतना ग्रोथ करता है कि आरबीसी को फोड़ देता है। और जब फूटता है आरबीसी तो एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हेमोजोइन बोलते हैं। और जैसे ही हेमोजोइन रिलीज होता है हमारे ब्लड में, वो हमारे अंदर 3-4 घंटे में होते रहता है और हमको फीवर लगवाता है हर एक 3-4 घंटा में। चलिए, अब ये है साइकिल कि मलेरिया कैसे फैलता है। देखिए, मच्छर काटा तो हमारे ब्लड में क्या दे दिया? स्पोरोजोइट। देखिए, व्हेन द मॉस्क्यूटो, जूम करके दिखाते हैं, व्हेन द मॉस्क्यूटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड इन दिस बाइट। जैसे ही मच्छर काटेगा हमारे ब्लड में स्पोरोजोइट कोई ना, अभी ये स्पोरोजोइट कहां गया? लीवर में गया और वहां रिप्रोड्यूस किया, और वहां से कहां आया? ब्लड में आया, ब्लड में फिर रिप्रोड्यूस किया और वहां से कहां गया? देखिए, वहां से फिर गैमेट बनाया। अब गैमेट जो बनाया वो फीमेल गैमेट भी बना और मेल गैमेट भी बना। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट गैमेटोसाइट बनाया, फिर से मच्छर काटेगा और ये गैमेटोसाइट कहाँ चल जाएगा? मच्छर के पेट में। और मच्छर के पेट में जाने के बाद क्या होगा? ये गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट होगा और वापस से क्या बनेगा? स्पोरोजोइट, जो कि मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में, यानी कि उसके माउथ में, गले में स्टोर हो जाएगा। और वापस से जब फिर मच्छर काटेगा तो वो मच्छर के पेट में चला जाएगा और दोबारा आदमी के, जब मच्छर काटेगा आदमी को, वापस से मलेरिया किसको हो जाएगा? मच्छर को। इसको हम एक बार बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, आप समझिए। जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, हम आपको बढ़िया से समझाते हैं, समझिए इस बात को कैसे मलेरिया फैलता है। देखिए, मलेरिया जिस स्टेज में हमारे बॉडी में जाता है उस स्टेज को स्पोरोजोइट बोलते हैं, और मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट स्टोर होता है। तो मच्छर जब काटता है, डंक मारता है, तो उसके गले से वो स्पोरोजोइट निकल के हमारे ब्लड में चला जाता है। हमारे ब्लड से होते होते वो कहाँ जाएगा? लीवर के पास। अब लीवर में जाएगा और वो एसेक्सुअली ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा कि लीवर के सेल को फोड़ देगा। अब जब लीवर के सेल से फूट के निकलेगा तो वो जो स्पोरोजोइट था अब मेरोजोइट में चेंज हो गया। अब वो मेरोजोइट लीवर से निकल के जाएगा वापस से आरबीसी में। आरबीसी में वापस से वो क्या करेगा? ग्रो करेगा एसेक्सुअली। अब आरबीसी में एसेक्सुअली ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, फिर आरबीसी को फोड़ देगा। आरबीसी से जब निकलेगा तो मेरोजोइट निकला और हेमोजोइन सब्सटेंस निकला, जिसके वजह से हर एक 3-4 घंटा में फीवर आता है।
अब ये जो मेरोजॉइट निकला वो गैमेटोसाइट बनाता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है फ्यूज करेगा और फिर से क्या बनाएगा, स्पोरोजॉइट। वो कहाँ बना, इंसान के अंदर। तो वापस से जब मच्छर काटा तो वो जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना था वो मच्छर के पेट में गया। अब मच्छर के पेट में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाया, जाइगोट बनाया, किसका, स्पोरोजॉइट का। वो वहां पे मैच्योर हुआ, वापस से कहां चल गया, मच्छर के ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में। अब दोबारा अगर मच्छर किसी इंसान को काटेगा तो सेम प्रोसेस दोबारा रीओपन होगा। तो इस तरीके से क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है। आपको अगर एक बार में समझ नहीं आया, बार बार इस वीडियो को चला के देख लीजिएगा। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे एड्स के बारे में। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह फैलने वाला बीमारी है, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज है। चलिए, सबसे पहला जो रिपोर्ट किया गया था 1981 में, 1981 में पहली बार एड्स का केस आया था। अभी तक 25 मिलियन इंसान का डेथ हो चुका है पिछले 25 साल में। पिछले 25 साल में एड्स के थ्रू ही मात्र 25 मिलियन लोगों का मौत हो चुका है। इट इज डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी में एक आर्मी सिस्टम है जो कि बीमारी से लड़ता है, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और ये जो एड्स है वो उसी आर्मी को कमजोर कर देता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम। एड्स एक कोई पार्टिकुलर बीमारी नहीं है। एड्स का फुल फॉर्म ये अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, यानी एड्स में बहुत सारे सिम्टम का समागम होता है। नॉन कॉन्जेनाइटल, यानी कि ये हेरिडिटी नहीं होता है, मतलब कि जन्मजात नहीं होता है कि आपके मदर फादर के पास था तो आपको भी होगा ही होगा। नॉन कॉन्जेनाइटल, फैटल इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि इससे मौत भी होगा और ये इन्फेक्शियस डिजीज भी है। इसके कॉजिटिव वजन यानी पैथोजन का नाम बताइए, HIV, यानी एड्स बीमारी है और बीमारी कराने वाले वायरस का नाम HIV वायरस है। लोग दोनों को सेम ही मानते हैं, एड्स बीमारी का नाम है, HIV उसके वायरस का नाम है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस, यानी ह्यूमन के इम्यूनिटी को डेफिशियंट करने वाला, कमजोर करने वाले वायरस को हम लोग HIV वायरस बोलते हैं। तो एड्स बीमारी का नाम है और उसको कराने वाले वायरस का नाम HIV वायरस है। चलिए आगे देखिए, एड्स कैसे होता है। एंट्री ऑफ वायरस इन बॉडी, एंट्री ऑफ इनटू बॉडी सेल्स। अब देखिए, अगर बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होता है, एड्स फैलता है। यानी एक पार्टनर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में दो पार्टनर इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल। अगर मान लीजिए मेल को एड्स है तो फीमेल को हो जाएगा, फीमेल को एड्स है तो मेल को हो जाएगा। दूसरा है प्लासेंटा, अगर मदर को एड्स है तो बच्चा को भी एड्स हो जाएगा, क्योंकि एड्स का जो वायरस है वो प्लासेंटा को क्रॉस करता है। चलिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी इंसान को एड्स है और उसका ब्लड हमारे ब्लड में मिक्स हो गया तो भी एड्स हो जाएगा। इन्फेक्टेड नीडल्स, अगर एक इंजेक्शन से हम एड्स वाले को इंजेक्शन दिया और सेम इंजेक्शन हम अपने अंदर भी घोप लें तो भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। हाई रिस्क इंडिविजुअल, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, कौन से इंसान में ज्यादा है संभावना है कि उसको एड्स होगा, वैसे इंसान जिसके सेक्सुअल पार्टनर मल्टीपल है, बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर है। अगले, मदर टू फीटस, जो मदर एड्स इन्फेक्टेड है उसके बच्चे को। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसे इंसान जिसको हमेशा ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होते, ब्लड चढ़ाया जाता है। या ड्रग्स एडिक्ट, ऐसे इंसान जो नीडल वाले इंट्रावीनस एड्स के, सॉरी ड्रग्स के एडिक्टेड है, ड्रग्स जो लेते हैं, जो सुई के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, ऐसे इंसान में हाई रिस्क ऑफ एड्स का है। अब देखिए लाइफ साइकिल कैसे होता है, हमारे बॉडी में वायरस जाता है और वायरस किसको अटैक करता है, मैक्रोफेज और हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। हम क्या बताए हैं, HIV का वायरस क्या करता है, हमारे बॉडी के आर्मी सिस्टम को डैमेज करता है। और हमारे बॉडी के आर्मी सिस्टम कौन है, इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम आर्मी है, तो आर्मी का जो सोल्जर है उसको हम लोग मैक्रोफेज बोलते हैं। यानी हमारे बॉडी में जो विरोधी है, जो पैथोजन है, उससे लड़ने की क्षमता ये मैक्रोफेज के पास था। अब वायरस इतना सातिर है, इतना चालाक है कि सबसे पहले इसी सोल्जर को अटैक करेगा। तो जैसे ही वायरस हमारे बॉडी में घुसेगा वैसे ही मैक्रोफेज पे अटैक करेगा, इसी को मार देगा। और जब सोल्जर ही मर जाएगा तो रक्षा कौन करेगा, जब रक्षक ही मर गया तो सारे के सारे भक्षक टूट पड़ेंगे। चलिए आगे देखिए, देखिए यह है वायरस का साइकिल, वायरस प्रोटीन कोट विथ RNA कोट। ये हमारा सेल है, ये जो रेड वाला बनाया हुआ है वो हमारा सेल है, एनिमल सेल। अब वायरस आया, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर भेजा। अब आपको पता होगा कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA है, और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है।
तो कभी भी आरएनए डीएनए से अटैच नहीं होगा। तो पहले क्या करेगा, वायरस अपना आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए आरएनए से क्या बन गया, डीएनए। यहां पे था आरएनए और आरएनए से बन गया वायरल डीएनए। ये कैसे बना, आरएनए से जो डीएनए बनता है ना उसमें एक एंजाइम यूज होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंड प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए बन गया, अब ये डीएनए हमारे डीएनए में अटैच हो गया। देखिए इसके बाद ये डीएनए हमारे डीएनए में अटैच हो गया, अब ये जो वायरल डीएनए था हमारे डीएनए में अटैच हो गया, तो हमारे डीएनए को बोलेगा कि जब चल अब तू वायरस का आरएनए बना। तो देख यहां पे क्या बन गया, न्यू वायरल आरएनए बन के तैयार हो गया। अब जब ये न्यू वायरस आरएनए, अब वायरल आरएनए बन गया, अब उसके ऊपर वापस से क्या कर दो, प्रोटीन कोड चढ़ा दो। जैसे ही प्रोटीन कोड चढ़ा दोगे तो क्या होगा, वैसे ही वायरस बन के तैयार हो जाएगा। यानी एक वायरस हमारे बॉडी को इन्फेक्ट किया, हमारे सेल को इन्फेक्ट कर लिया और हमारे ही डीएनए से बहुत सारा नया वायरस बनवा लिया, और इस तरीके से ये मैक्रोफेज पे अटैक करता है, हमारे बॉडी पे अफेक्ट करता है और हमारे ही बॉडी से नया नया वायरस बनवाता है। इसीलिए मैक्रोफेज को बोलते हैं कि एचआईवी फैक्ट्री, क्योंकि मैक्रोफेज के अंदर एक वायरस इंटर करके और बहुत सारा वायरस बनवा लेता है, और चूंकि जहां पे प्रोडक्शन होता है किसी चीज का उसको हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं। चलिए सीक्वेंस ऑफ इंफेक्शन देखिए कैसे इन्फेक्ट, अभी फिगर के थ्रू देखिए, अभी लाइन बाय लाइन देखिए। इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव व्हाइल वायरस कैन बीइंग कॉम्प्लिकेटेड एंड रिलीज, हेंस कॉल्ड एचआईवी फैक्ट्री। यानी मैक्रोफेज को क्या बोल रहे हैं हम लोग, मैक्रोफेज इज कॉल्ड एज एचआईवी फैक्ट्री। आया बात समझ में, एचआईवी इंटर्स इनटू मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर सेल साइमल्टेनियसली। यानी एचआईवी का जो वायरस है मैक्रोफेज में और टी हेल्पर सेल में एक साथ घुसता है, उसके बाद क्या होता है देखिए, देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। अब जैसे ही जिस सेल में घुसेगा उसको तो मार देगा, अब उसको मार देगा तो उसका नंबर कम हो जाएगा, तो हेल्पर टी सेल का नंबर कम हो जाएगा। अब देखो इनिशियल सिम्टम क्या होगा, फीवर, डायरिया और वेट लॉस। एड्स के पेशेंट में इनिशियल सिम्टम क्या क्या होते हैं, फीवर होता है, डायरिया और वेट लॉस होता है। लेटर द इम्यूनो डेफिशियंट पेशेंट इज प्रोन टू इन्फेक्शन स्पेशली मायोबैक्टीरियम वायरस फंगी एंड टॉक्सोप्लाज्मा। देख बच्चा कभी भी एड्स के वायरस से या एड्स बीमारी से मौत नहीं होता है, बात समझ में आया। मान ले अगर एड्स का इन्फेक्शन आज हुआ ना, तो इसके बारे में आपको 3-4 साल बाद पता लगेगा कि आपको एड्स का बीमारी हो रखा है, इतना स्लो ये ग्रो करता है आपके बॉडी में। आया बात समझ में, लेकिन कभी भी एड्स के वजह से मौत नहीं होता है। एड्स का जो वायरस है एचआईवी वायरस, वो आपके बॉडी को इतना कमजोर कर देता है कि आपके बॉडी में नॉर्मल इन्फेक्शन जो पहले होता तो ठीक हो जाता, वो सारे नॉर्मल इन्फेक्शन आपको थ्रेट कर सकते हैं, आपको डेथ करा सकते हैं। तो कभी भी एचआईवी वायरस डेथ नहीं कराता, एचआईवी वायरस सिर्फ बॉडी को कमजोर कर देता है, और कमजोर बॉडी पे दूसरा बैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम वायरस फंगी टॉक्सोप्लाज्मा ये सारे कीटाणु आपके बॉडी को और कमजोर करके आपको डेथ करा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, देयर इज ऑलवेज टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स, दिस मे बी वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू ईयर। देखिए 5 से 10 साल, यानी एड्स का इन्फेक्शन होना और एड्स का बीमारी होना दोनों में बहुत लैग होता है, हमेशा लगभग 5 से 10 साल का भी डिफरेंस हो जाता है। देखिए अब एड्स हुआ है वो कैसे पता लगेगा, एक टेस्ट आता है जिसको हम लोग इलीजा बोलते हैं। टाइफाइड के लिए कौन टेस्ट था, विडाल। टाइफाइड के लिए जो टेस्ट था उसका नाम था विडाल, और एड्स के लिए जो टेस्ट हम लोग करते हैं उसका नाम होता है इलीजा। और इलीजा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, इलीजा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, क्या इलीजा का फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। आया बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है, देखो बच्चा एड्स का कोई भी मतलब 100% इलाज नहीं है, लेकिन एड्स को रोका जा सकता है, डेथ को थोड़ा दिन तक डिले किया जा सकता है। कैसे, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग देके, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग यानी जो वायरस इन्फेक्टर है उसके अगेंस्ट वाले ड्रग देके एड्स के पेशेंट को कुछ दिन तक जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन मरना तो तय है। चलिए प्रिवेंशन, अब चूंकि एड्स का इलाज नहीं है तो प्रिवेंशन बेटर है, होने ही नहीं दो एड्स अपने अंदर। तो प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, डिफरेंट एजेंसी लाइक एनजीओ, बच्चा एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, नैको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, WHO स्टार्टेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू एजुकेट और मेक पीपल अवेयर ऑफ एड्स एंड सम ऑफ द मेजर प्रिवेंटिंग स्प्रेडिंग एचआईवी इन्फेक्शन। यानी कि जब सभी को पता चला, जैसे कि एनजीओ को, नैको को, नैको जो है बच्चा वो इंडिया का एजेंसी है एड्स के खिलाफ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और WHO तो सब जानता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आया ना।
तो ये सारे जो बॉडी है गवर्नमेंट बॉडी, वो क्या करना स्टार्ट किया, पीपल को अवेयर करना स्टार्ट किया दिया कि एड्स से कैसे बचा जा सकता है, और कुछ मुहिम भी निकाला, कुछ चीजें भी निकाला ताकि एड्स को कंट्रोल किया जा सके। कैसे? मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV। अब ब्लड बैंक्स, अब ब्लड जो जमा होता है ब्लड बैंक से आप जाके ब्लड लेंगे तो वहां पे पहले जांच किया जाएगा, जो ब्लड आपको दिया जाएगा क्या उसमें HIV का इन्फेक्शन है या नहीं, अगर नहीं रहेगा तभी आपको वो ब्लड चढ़ाया जाएगा। आगे देखिए, यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल। पहले के जमाने में क्या होता था बच्चा, एक ही नीडल से 10-20 को सुई भोग दिया जाता था, पर आज आप देखते होंगे सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में भी एक नीडल एक ही इंसान को चढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स वगैरह एक से दूसरे में ना फैले। अगला देखिए, अगला क्या है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम, एडवर्टाइजिंग सेफ सेक्स एंड कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज। कॉन्डम्स, आप लोग सभी जानते होंगे बच्चा कि कॉन्डम्स जो है बहुत अवेलेबल कराया जाता है, और सरकारी अस्पताल में भी अवेलेबल कराया जाता है, हर एक जो है केमिस्ट दुकान पे भी अवेलेबल कराया जाता है। क्यों? ताकि लोग जो है सेफ सेक्स करें, क्योंकि जो है सेक्सुअल कोर्स के थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी क्या होता है, एड्स का बीमारी फैलता है। तो अगर आप कॉन्डम का यूज करते हैं तो आपको एड्स होने से बचाता है, और साथ ही साथ जो फालतू का प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, वे फालतू का प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करता है। तो दो चीजें में मैं तो मदद करता है हमारा कॉन्डम, पहला एड्स प्रिवेंशन एंड द सेकेंड थिंग इज कॉन्ट्रासेप्शन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कैंसर। बच्चा एड्स था इन्फेक्शियस डिजीज, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाला, बट द सेकेंड थिंग इज कैंसर। कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, लेकिन ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, लेकिन बहुत ज्यादा मौतें होती हैं कैंसर के वजह से। देखिए, इट ड्रेडेड इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल अक्रॉस द ग्लोब। बहुत ज्यादा डेथ होता है पूरे दुनिया में कैंसर के वजह से। अब होता कैंसर कैसे, देखो नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। नॉर्मल सेल के अंदर ये जो सेल ग्रोथ है ना वो कंट्रोल्ड होता है, देखिए हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड। नॉर्मली अगर नॉर्मल सेल होगा तो वो उसके अंदर का डिवीजन, कि कब डिवीजन करना है कब डिवीजन नहीं करना है, वो कंट्रोल्ड होगा। लेकिन कैंसरस सेल में ये कंट्रोल नहीं होगा। कैंसरस सेल में क्या होता है, ये जो कंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, ये नहीं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, सेल लगातार डिवाइड करने लगता है बिना कुछ सोचे समझे, और ग्रो कर करके ट्यूमर बना देता है, मांस का गुच्छा बना देता है। चलिए, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मली नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है बच्चा, कि दो सेल, एक सेल ये रहा एक सेल ये रहा, जब आपस में आएंगे और पास पास आ जाएंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट होने के बाद सेल का डिवीजन बंद हो जाता है, इसी को कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। ये नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी है, बट कैंसर के दौरान क्या होगा, अगर दो सेल पास में भी आ गया फिर भी सेल लगातार डिवाइड करते रहेगा, इसीलिए बोलते हैं कि कैंसरस सेल लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। देखिए, प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट है इसमें अब्सेंट है, वर्च्यू ऑफ बीच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर ग्रोथ। अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होगा तो दो सेल जब पास पास आएंगे तो डिवीजन बंद हो जाएगा, लेकिन कैंसरस सेल में ऐसा नहीं होता है, दो सेल आपस में पास आने के बाद भी लगातार सेल डिवीजन होता रहता है, जिसके वजह से ट्यूमर का ग्रोथ होता है। देखिए, सो दिस सेल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड फॉर्म मासेस ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर और नियोप्लास्ट। आया बात समझ में, ट्यूमर बना देता है। आगे देखिए, बात करेंगे, ट्यूमर दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बिनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। अब जो ट्यूमर बना, कैंसर होगा तो ट्यूमर बनेगा, कैंसर होगा तो ट्यूमर बनेगा। ट्यूमर क्या है, कि जब लगातार सेल डिवीजन हो रहा होगा तो जो मांस का गुच्छा बनेगा उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। तो ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर कैसा होता है, थोड़ा सा डैमेज देता है, हल्का डैमेज देता है, जबकि देखिए लोकेशन की बात करें, पहले देखिए लोकेशन, तो मान लीजिए बिनाइन ट्यूमर जो है ब्रेन में हुआ तो वो बिनाइन ट्यूमर ब्रेन में ही रहेगा, ब्रेन से हट के कहीं नहीं जाएगा। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर ब्रेन में हुआ तो ब्रेन तो में तो होगा ही होगा, और ब्रेन से टुकड़ा हट हट के पूरे बॉडी में जाएगा, और पूरे बॉडी में भी क्या करवाएगा, ट्यूमर करवाएगा। तो ये डिफरेंस होता है बिनाइन के बीच में और मैलिग्नेंट के बीच में। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ये डैमेज छोटा सा डैमेज करता है, हल्का डैमेज करता है, जबकि इसका डैमेज बहुत ज्यादा है। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है एक जगह से नहीं, सिर्फ एक जगह नहीं रहेगा, एक जगह से हर एक जगह फैलेगा, और जहां जहां जाएगा वहां वहां के सेल को क्या करेगा, डैमेज करेगा। इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता है और इसमें मेटास्टेसिस होता है। अब मेटास्टेसिस क्या है बच्चा, मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि एक ट्यूमर एक जगह पे नहीं रहेगा, एक जगह से बाकी जगह भी जाएगा, इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो बिनाइन के अंदर ये नहीं होता है, मैलिग्नेंट के अंदर होता है। देखिए, सेल स्लफ्ड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंस साइड थ्रू ब्लड एंड स्टार्ट न्यू ट्यूमर कॉल्ड मेटास्टेसिस। यानी कि
ओरिजिनल ट्यूमर में से कुछ कुछ सेल कट कट के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अलग अलग डिस्टेंस जगह पे जाएंगे और बॉडी के अलग अलग पार्ट पे क्या करवाएंगे, नया ट्यूमर का फॉर्मेशन करवाएंगे। इसी को मेटास्टेसिस बोला जाता है। चलिए आगे, अब देखिए कॉज, कॉज क्या है, कैंसर कैसे होता है। नॉर्मल सेल के अंदर देखिए जो हमारा प्रोटोसेलुलर है या ऑन्कोजीन है उसको क्या होता है, नियोप्लास्मिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यानी कि कार्सिनोजेन। जो नॉर्मल सेल है उसको कैंसरस सेल में कैसे बदलता है, तो नॉर्मल सेल पे अगर कार्सिनोजेन एक्ट किया, नॉर्मल सेल पे अगर कार्सिनोजेन एक्ट किया तो उसको चेंज कर देगा किसमें, ऑन्कोजीन में यानी कैंसरस सेल में। यानी नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाएगा कैंसरस सेल में किसके प्रेजेंस में, कार्सिनोजेन के प्रेजेंस में। नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कब कन्वर्ट होगा, जब नॉर्मल सेल पे कौन एक्ट करेगा, कार्सिनोजेन एक्ट करेगा। अब बच्चा ये कार्सिनोजेन क्या होता है, कार्सिनोजेन होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट, कैंसर करवाने वाले एजेंट को कार्सिनोजेन बोलते हैं। ये केमिकल एजेंट भी हो सकता है, ये फिजिकल एजेंट भी हो सकता है, ये बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है। देखिए रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, ये सारे कैंसर को कन्वर्ट कर कैंसर बनवाता है। केमिकल क्या हो सकता है, टोबैको स्मोक, जो तंबाकू का धुआं कैंसर करवाता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रे भी कैंसर करवाता है। बायोलॉजिकल एजेंट्स, वायरस, कुछ वायरस होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, कैंसर करवाते हैं। अब डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा कैंसर का, अर्ली डायग्नोसिस अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केस। अब डायग्नोसिस, अगर कैंसर का डायग्नोसिस उसके अर्ली स्टेज में हो गया तो कैंसर ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फिर कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता। अब देखिए कैंसर को ठीक कैसे किया जाता है, पहला बायोप्सी, मतलब कैंसर है ये पहचाना कैसे जाता है, कौन सा टेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है, पहला है बायोप्सी, दूसरा है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, तीसरा है रेडियोग्राफी और चौथा है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब इसमें बेसिस क्या है, बायोप्सी में टिश्यू का स्टडी किया जाता है, आया, ब्लड में तो आप लोग जानते हैं ब्लड का जांच होगा, रेडियोग्राफी में एक्सरे यूज किया जाता है, सीटी स्कैन में एक्सरे यूज किया जाता है। डायरेक्ट क्या करवाता है, जो बायोप्सी है वो टिश्यू में अगर कैंसर है तो डायरेक्ट करता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को डिटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स किसके थ्रू डिटेक्ट होते हैं, एक्सरे के थ्रू, रेडियोग्राफी के थ्रू, और 3D इमेज चाहिए, अगर इंटरनल ऑर्गन्स का 3D इमेज चाहिए तो वो आपको करना पड़ेगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो ये सारे पिछले बारे सारे मेथड थे कि कैसे कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है, कैंसर का टेस्ट कौन कौन सा होता है। अगला टेस्ट देखिए MRI, सभी बच्चा सुना होगा MRI, है ना, एक मशीन होता है ऐसा गोल वाला, उसके अंदर ऐसे घुसा दिया जाता है, वो मशीन ऐसे 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 चलते रहता है, आया बात समझे, उसको MRI बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब MRI है, मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है। ये क्या करता है बच्चा, वही सेम चीज कैंसर का पता लगाता है आपके बॉडी के अंदर। अगला चीज है मोलिक्यूलर टेक्निक्स, मोलिक्यूल्स का यूज किया जाता है, केमिकल्स का यूज किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसिबल सर्टेन कैंसर, एंटीबायोटिक बेसिस। अब मान लीजिए एंटीबॉडीज, आपके बॉडी में कैंसर हुआ है तो उसका एंटीजन है, तो हम एंटीबॉडीज बॉडी में जाएगा भेजेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, मतलब कैंसर है, ठीक है, तो अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन सर्टेन कैंसर, कुछ कैंसर के लिए ये टेस्ट भी किया जाता है। तो ये जो यहाँ पे 4 टेस्ट और यहाँ पे 3 टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं जो कि क्या करवाते हैं, आपको क्या याद रखना है, बस टेस्ट का नाम याद रखना है, बात समझ में आया। चलिए आगे देखिए, ट्यूमर सेल हैव एबिलिटी टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। अब जो ये ट्यूमर सेल है, जो कैंसरस सेल है, उसके पास ये क्षमता है कि वो अपने आप को पहचानने ही नहीं देता है, हमारे इम्यूनिटी, हमारे बॉडी के आर्मी सिस्टम को नहीं पहचानने देता है कि वो कैंसर करवा सकता है, वो हानिकारक है, इसलिए कैंसर बच जाता है। अब अप्रोच, ट्रीट कैसे किया है, कैंसर को कैसे ठीक किया जाएगा, ट्रीटमेंट क्या है कैंसर का, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये 4 नाम आपको याद रखना है, 1, 2, 3, 4, बस 4 चीज। सर्जरी, किसी पार्ट में कैंसर हुआ है काट के हटा दो, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन से एक्सरे, गामा रे, उसको मार दो, कीमोथेरेपी, केमिकल्स यूज किया जाता है, इम्यूनोथेरेपी, देखिए इंटरफेरॉन्स, जो कैंसर वाले सेल है ना, अगर उसको अल्फा इंटरफेरॉन देंगे, कैंसर वाले सेल को अगर अल्फा इंटरफेरॉन देंगे तो क्या होगा, जो कैंसर सेल है वो मर जाएगा, इसको बोलते हैं हम इम्यूनोथेरेपी। चलिए आगे देखिए इम्यूनिटी। अब बच्चा इम्यूनिटी क्या, अभी आपको बताएं क्या है, प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने का एबिलिटी को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, बीमारी से लड़ने के एबिलिटी को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, आया बात समझ में, बिल्कुल। तो देखिए द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम। अगर बीमारी से लड़ने की क्षमता को ही हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। अब दो टाइप्स के इम्यूनिटी होते हैं, इननेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी।
इननेट का मतलब है वो इम्यूनिटी जो हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट है, और एक्वायर्ड का मतलब है जो हम लोग अपने जीवन काल में ग्रहण करेंगे या अपने अंदर निकालेंगे। तो एक्वायर्ड जो इननेट इम्यूनिटी हमारे बर्थ के समय से है, आफ्टर बर्थ, नॉट रिक्वायर्ड एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, इसमें एक इन्फेक्शन चाहिए नहीं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब आता है, जब इन्फेक्शन होता है। ये डिफेंस, इसका डिफेंस नॉन स्पेसिफिक है जबकि ये स्पेसिफिक, यानी इननेट इम्यूनिटी किसी एक खास बैक्टीरिया को या पैथोजन को नहीं मारता है, सबको मारता है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होता है। मेमोरी रिकॉर्ड, इसमें मेमोरी नहीं होता है जबकि इसके अंदर मेमोरी प्रेजेंट है। बात समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, इननेट इम्यूनिटी अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर। जो इननेट इम्यूनिटी है वो बैरियर मेथड पे काम करता है। इननेट इम्यूनिटी बहुत टाइप्स के बैरियर होते हैं। पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर, दूसरा बैरियर है फिजियोलॉजिकल। फिजिकल बैरियर के अंदर आएगा स्किन, ये जो स्किन है आपके बॉडी का ये फिजिकल बैरियर है। दूसरा म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथीलियम, आपके बॉडी में तीन ओपनिंग है, एक तो नाक वाला जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं, दूसरा माउथ वाला गैस्ट्रिक, इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, तीसरा जहां से आप यूरिन पास करते हैं रिप्रोडक्टिव यूरोजेनाइटरी ट्रैक। इसके अंदर म्यूकस का जो लेयर होता है वो भी कैसा काम करता है, बैरियर के तरह, ठीक है। अगला है फिजियोलॉजिकल बैरियर, सलाइबा इन माउथ, एसिड इन स्टमक एंड टीयर्स फ्रॉम द आईज, ये सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर है। अगला क्या है, सेलुलर बैरियर, कुछ ऐसे सेल होते हैं हमारे बॉडीज में जो बैरियर के तरह काम करते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल। अगर आपके ब्लड में या टिश्यू में कोई इन्फेक्शन चला गया तो ये सारे सेलुलर बैरियर उसको मार गिराएंगे। तो ये हो गया सेलुलर बैरियर। और साइटोकाइन बैरियर, इंटरफेरॉन्स, कुछ वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो सेल वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है वो अपने बगल वाले सेल को बचाने के लिए एक केमिकल रिलीज करता है जिस केमिकल का नाम है इंटरफेरॉन, तो इसको हम लोग साइटोकाइन बैरियर बोलते हैं। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्वायर्ड इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी हमारे पास जन्म से होता है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म के बाद आता है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडी। दिस रिस्पॉन्स इज कैरिड आउट बाई टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, ब्लड बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है बच्चा, वो दो टाइप के लिम्फोसाइट्स के थ्रू प्रोवाइड होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। कौन कौन सा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। चलिए बहुत बढ़िया, ये देखिए, ये लिम्फ नोड है, ये थाइमस है, ये लिम्फेटिक वेसल्स है, ये आता है आपके अक्वायर्ड इम्यूनिटी का पिक्चर है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी, अक्वायर्ड मतलब होता है बच्चा आप जीवन में जब आप लाइफ स्टाइल जियेंगे तो उसके दौरान जो आपको इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता जो आपके अंदर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखिए, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन दो होता है, एक तो थाइमस और दूसरा बोन मैरो। बच्चा बोन मैरो रिलीज करेगा बी लिम्फोसाइट और थाइमस रिलीज करेगा टी लिम्फोसाइट। तो देखिए, बीटा सेल और टी सेल्स, तो थाइमस बनाता है टी लिम्फोसाइट और बी सेल बनाता है बी सेल्स। अब ये सारे स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, माल्ट, ये सारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर थाइमस और बोन मैरो आता है, जबकि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर ये सारे ऑर्गन आते हैं। अब टी सेल्स क्या करता है बच्चा, टी सेल हेल्प करता है बी सेल को, और बी सेल, टी सेल जो है हेल्प करता है बी सेल को और रिलीज करवाता है कौन सा सब्सटेंस, रिलीज करवाता है एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी ब्लड इम्यूनिटी, और सी जो टी सेल है वो प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यानी कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी दो लोग मिलकर देते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कैसे देता है, एंटीबॉडी बना के, और उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। और सेकेंड जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो देता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। चलिए आगे देखिए, ओरिजिन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है जैसे कि थाइमस और बोन मैरो, वहां पे लिम्फोसाइट जैसे बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन होता है, मैचुरेशन होता है, लिम्फोसाइट बिकम एंटीजन सेंसिटिव, यहीं पे लिम्फोसाइट एंटीजन सेंसिटिव भी बनता है। प्रोवाइड मैक्रो एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, यानी कि ओरिजिन, मैचुरेशन एंड एंटीजन सेंसिटिव जो है वो कहां पे बनता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, कहां पर, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट के पास। चलिए, प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन लिम्फोसाइट विद एंटीजन विच प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन हो गया, उसके अलावा पेयर्स पैचेस हो गया, माल्ट हो गया, ये सारे जगह पे क्या होगा, जो हमारा एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ कोलैब करेगा और एंटीजन सेंसिटिव बन के उभरेगा। अब देखिए, दो टाइप्स के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है जब पैथोजन पहली बार
जब पैथोजन पहली बार बॉडी में जाएगा और क्या रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स देगा हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस पैथोजन के खिलाफ रिस्पॉन्स देगा, उसको हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। और दोबारा अगर सेम पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर किया और क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया, उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, सब्सिक्वेंट टाइम, पहली बार अगर कोई एंटीजन हमारे बॉडी में गया और इम्यूनिटी उसके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स को प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, बहुत लो इंटेंसिटी होता है। देखिए लो इंटेंसिटी, जबकि दोबारा सेम पैथोजन अगर हमारे इम्यूनिटी को इंटरैक्ट किया तब जो रिस्पॉन्स आएगा दैट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स एंड दिस इज हाई इन इंटेंसिटी। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट बाई बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट ईच एंटीबॉडी। अब आपको पता है कि बी लिम्फोसाइट बनाता है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी की अगर शेप की बात की जाए, एनसीईआरटी में ये डायग्राम ड्रॉ है ना, इसका फॉर्मूला होता है H2L2, यानी दो तो हेवी चेन है और दो लाइट चेन है। जो छोटा वाला चेन है उसको लाइट चेन बोलते हैं, जो बड़ा वाला चेन है उसको हेवी चेन बोलते हैं। ये है हमारा एंटीबॉडी का मोलिक्यूलर डायग्राम। देखिए दो लॉन्ग चेन, दो शॉर्ट चेन, कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन, पांच टाइप के होते हैं। गमदे, गमदे से याद रखिएगा, गमदे, इम्यूनोग्लोबिन जी, AMD और E। आगे देखिए, टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। आपके बॉडी में मान लीजिए अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं या कोई भी ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो आपका बॉडी उसको एज इट इज क्या करता है, रिजेक्ट नहीं कर, रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मेमोरी है किस चीज का, आपके खुद के सेल्स का और बाहरी सेल्स का। तो जो बाहर वाला सेल होगा इम्यूनिटी उसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ दिस टी लिम्फोसाइट। If the pathogen succeed in gaining entry to our body, a specific antibody and T cell helps to pathogen. यानी कि आपके बॉडी में अगर मान लीजिए पैथोजन चला भी गया तो आपके अंदर दो आर्मी बैठा हुआ है, एक तो बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट उसको खुद मारेगा और बी लिम्फोसाइट उसको कैसे मारेगा, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। चलिए देखिए, ये रहा पिक्टोरियल व्यू ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ये कार्टून फिगर है, एक्चुअल फिगर नहीं है, बस बताया गया है। लिम्फोइड स्ट्रक्चर, आपके अंदर बहुत सारे लिम्फोइड स्ट्रक्चर है। दो टाइप्स के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के अंदर कौन कौन आता है, बोन मैरो और थाइमस। प्राइमरी के अंदर दो ऑर्गन्स आता है, बोन मैरो और थाइमस, और सेकेंडरी के ऑर्गन ये बाकी सब आते हैं, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया और माल्ट हो गया। स्प्लीन आपको याद रखना है, स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यानी कि आरबीसी जब मरेगा तो जाके कहां, जब कब्र, क्या कहां पे कब्र लेगा, यहां पे। बीन शेप्ड ऑर्गन, फिल्टर ऑफ द बोट, लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। चलिए आगे देखिए, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। आप सभी ने कभी ना कभी टीकाकरण सुना होगा। बच्चा जब पैदा लेता है उसको एक महीना से लेकर 10 साल तक टीकाकरण किया जाता है। क्यों? वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को, या तो वो पैथोजन होगा, और पैथोजन होगा तो जिंदा होगा या मरा हुआ होगा, अगर जिंदा हुआ तो डिसार्म्ड होगा, मरा हुआ होगा, या उसके केमिकल्स को हमारे बॉडी के अंदर सुई के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो सर इम्यूनाइजेशन क्या हुआ? अब उसके थ्रू हमारा इम्यूनिटी उस चीज को याद रखेगा कि अच्छा ये पैथोजन आया था उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बना के रखेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो एंटीबॉडीज, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब है आपके बॉडी में अगर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, मान लीजिए आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ और आपका बॉडी खुद उस बैक्टीरिया इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और उस इन्फेक्शन को डिग्रेड करेगा, इस इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन कुछ ऐसे इन्फेक्शन जैसे कि मान लीजिए स्नेक बाइट हो गया, तो स्नेक बाइट में भी क्या गया, आपके अंदर पॉइजन गया, तो आपका बॉडी इस बात के लिए सक्षम नहीं है कि स्नेक वेनम के अगेंस्ट क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए। उसके लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, एंटी वेनम लेना पड़ेगा। तो जब आपको बाहर से बना हुआ एंटीबॉडीज लेना पड़ता है फॉर एनी एंटीजन, देन इट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में देखिए, प्रोसीड विद इन द होस्ट बॉडी, होस्ट के अंदर ही बनेगा, और रेडीमेड परफॉर्म एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन। अगर रेडीमेड एंटीबॉडी लेना पड़ा किसी एंटीजन के खिलाफ तो हम बोलेंगे कि हमारा इम्यूनिटी जो है वो पैसिव इम्यूनिटी है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो समय लेता है और जो पैसिव इम्यूनिटी है वो बहुत कम समय लेता है, तुरंत एक्शन करता है।
एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी होता है, पैसिव इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो एक बार अगर मान लीजिए हम लोग को अगर कहीं पे कट लग जाता है किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से या कोई ग्लास से या कोई लोहे के कील वगैरह से, तो हम लोग बार बार क्या करते हैं, टेटनस का सुई लेते हैं। क्यों बार बार क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जो रेडीमेड एंटीबॉडी है उसके पास मेमोरी नहीं होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक्टिव में एग्जाम्पल हो जाएगा नेचुरल इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन। आपको अगर कोई कट लगा या आपको कोई बीमारी हुआ, जैसे कि हमारे अंदर चिकन पॉक्स हो जाता है, एक बार किसी के अंदर चिकन पॉक्स हो जाएगा उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाएगा, दोबारा वो चिकन पॉक्स उस इंसान के अंदर नहीं होगा क्योंकि उसके खिलाफ मेमोरी बन के तैयार हो जाता है। लेकिन पैसिव मामले में मेमोरी बन के तैयार नहीं होता, एक बीमारी बार बार होगा और जब जब होगा तब तक क्या लेना पड़ेगा, एंटीबॉडी लेना पड़ेगा। देखिए इम्यून सिस्टम का जो प्रॉपर्टी होता है वो मेन फंक्शन होता है मेमोरी का। प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रॉपर्टी वीकेंड पैथोजन इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, पैसिव में डायरेक्ट परफॉर्म एंटीबॉडी, सेम बात बोल रहा है कि एक्टिव है। एक्टिव का मतलब है कि हमारा बॉडी किसी एंटीजन के खिलाफ खुद क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। और पैसिव में क्या करना पड़ेगा कि बना बनाया एंटीबॉडी हमको इंजेक्ट करवाना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए एलर्जी। एलर्जी क्या होता है, सभी लोग सुने होंगे कि किसी ना किसी चीज के वजह से एलर्जी हो जाता है। अब एलर्जी क्या है, आपको पता है कि हमारा बॉडी जो है बीमारी को रोकता है इम्यून सिस्टम के थ्रू। अब ये इम्यून सिस्टम अगर ओवर रिएक्शन कर दे, अब मान के चलिए कोई पॉलेन है, पॉलेन सभी बच्चे जानते हैं कि मेल सेक्स गैमेट है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ये पॉलेन खाया भी जाता है टैबलेट के फॉर्म में क्योंकि हाई सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन किसी किसी इंसान के अंदर ये पॉलेन एलर्जिक होता है। मतलब कि कभी कभी क्या होगा, गलती से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी सब्सटेंस को क्या समझ लेगा, हानिकारक, और उसके खिलाफ एक्सजरेटेड यानी बहुत हाई इंटेंसिटी में रिस्पांस क्रिएट करेगा, उसी को हम एलर्जी बोलते हैं। इस एलर्जी के दौरान जो इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज होता है उसको आईजीई टाइप बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है, मास्ट सेल, हमारे बॉडी का जो मास्ट सेल है वो रिलीज करता है एक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन हमारे ब्लड में फैल जाता है, हमारे बॉडी टिश्यू में फैल जाता है, और आप देखेंगे कि एलर्जी के दौरान आपके पूरे बॉडी सरफेस पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। ट्रीटमेंट कैसे देंगे, एंटीहिस्टामिन या एड्रेनालिन का इंजेक्शन देके। चलिए आगे देखिए ड्रग्स अब्यूज। अब आपको पता है कि नाउडेज तीन टाइप्स के ड्रग्स, एक ड्रग्स का नाम है ओपियोइड्स, दूसरा ड्रग्स है कैनाबिनोइड्स, और तीसरा जो ड्रग्स है वो है कोका एल्कलॉइड्स। अब अब्यूज का एक्चुअल मीनिंग निकाले तो होता है गाली देना, पर यहां पे गाली देने से मतलब नहीं है। अब्यूज का मतलब है कि जितना यूज करना चाहिए था या जितना अमाउंट में यूज करना चाहिए था उससे ज्यादा इंटेंसिटी में अगर हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग अब्यूज। ड्रग मतलब मेडिसिन। अब देखिए केमिकल्स व्हेन टेकन फॉर ए पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज, कोई भी चीज अगर हम लोग मेडिसिन के तौर पर यूज कर रहे हैं, लो इंटेंसिटी में यूज कर रहे हैं, तब हम उसको मेडिसिन बोलेंगे। अदरवाइज अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे या ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे, जो कि हमारे फिजिकल कंडीशन या फिजियोलॉजिकल कंडीशन या हमारे साइकोलॉजिकल कंडीशन को डिस्टर्ब करे, देन इट इज कॉल्ड एज ड्रग्स अब्यूज। देखिए तीन टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स। ओपियोइड्स का रिसेप्टर कहां होता है, ब्रेन में और जीआईटी में। कैनाबिनोइड्स का रिसेप्टर कहां होता है, ब्रेन में। कहां से ऑब्टेन होता है, ये प्लांट्स पैपावर सोमिनिफेरम, और ये कहां से ऑब्टेन होता है, कैनाबिस सटाइबा। इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जांपल देखिए ओपियोइड्स का मॉर्फिन और हीरोइन, इसका चरस गांजा हाशिश और मैरिजुआना। इसका इफेक्ट क्या है, हमारे बॉडी में सेडेटिव है और पेन किलर है। पेशेंट जो सर्जरी में जाता है पेशेंट, उसको पेन से बचाने के लिए, डिप्रेसेंट है, आपको स्लो डाउन कर देगा। इसका टेस्ट जो है ऑर्डरलेस है, यानी कि स्मेल नहीं होता है, व्हाइट कलर का होता है, तीता लगेगा, क्रिस्टलाइन है, कंपाउंड है। इसका जो इफेक्ट है वो हमारे हार्ट सिस्टम पे, यानी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, हार्ट बीट को बढ़ा देगा। अब्यूज बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन, ये जो कैनाबिनोइड्स है स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज करते हैं अपने एथलेटिक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। एंड द थर्ड इज कोका एल्कलॉइड्स, कहां से ऑब्टेन होता है, कोका प्लांट्स। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, ये कैसे इंजेक्ट किया था, स्नॉटिंग। स्नॉटिंग मतलब होता है नाक से लेना। कोकेन और कोका एल्कलॉइड इसका कॉमन नेम है। अब देखिए ये क्या करता है, डोपामीन। हमारे हम जानते हैं कि हमारे अंदर कोई भी चीज कंट्रोल होता है सीएनएस से। अब मान लीजिए सीएनएस को मैसेज भेजना है मसल के पास, तो ये मैसेज भेजता है एसिटाइल कोलिन से,
एसिटाइल कोलिन, अगर आपको हाथ चलाना है, अभी हमको लिखना है, तो हमारा ब्रेन मैसेज दे रहा है कि हाथ से लिख, लेकिन ये मैसेज अगर लगातार मिलते रह जाएगा तो हमारा हाथ यहीं पे चिपक जाएगा। तो इस मैसेज के अगेंस्ट में एक और केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं डोपामीन, और ये डोपामीन ये बताता है कि ये हाथ वापस से हटाना भी है लिखने के बाद। तो यही क्या करेगा, ये जो कोका एल्कलोइड्स है इस डोपामीन को इंटरफियर कर देगा, अब लगातार हमारा बॉडी एक ही काम करते रह जाएगा। तो ये होता है कोका एल्कलोइड्स के दौरान। चलिए अब देखिए ड्रग्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, यानी जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ड्रग्स का कैसे दुरुपयोग करते हैं, वाई टू यूज, क्यों यूज करना चाहिए। इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, प्रोमोट अग्रेसिवनेस, इनहेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस, यानी कि अगर कोई थक रहा है, अब जो दौड़ने वाला धावक है, जो धावक है वो क्या होगा, नेचुरली दौड़ेगा तो वो थक जाएगा। अब मान लीजिए एक चिलम गांजा मार लिया तो वो थकेगा नहीं, तो ये इसका मिसयूज है। कॉमनली अब्यूज ड्रग्स, कौन कौन सा ड्रग्स कॉमनली अब्यूज होता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का मतलब होता है जिसके बाद आपके बॉडी से पानी लॉस नहीं होगा, आप पानी नहीं भी पीजिएगा फिर भी आपको प्यास नहीं लगा। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, मसल गेनर, जितने भी जिम वाले लोग हैं आजकल यही यूज कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं लेकिन मसल गेनर यूज करके अपना मसल बिल्डअप कर रहे हैं, और सर्टेन हार्मोन्स जो कि मस्कुलिन नेचर दे रहा है। कॉमन साइड इफेक्ट, अब ये सारे चीज आप अब्यूज कीजिएगा तो साइड इफेक्ट क्या आएगा, अग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होगा, डिप्रेशन होगा, स्टंटेड ग्रोथ, आपका ग्रोथ रुक जाएगा, या सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, आपके चेहरे पे बहुत सारा मुहासा हो सकता है। टिपिकल साइड इफेक्ट मेल के अंदर क्या क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो मेल के अंदर मेल ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है। अगेन डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन लो हो जाएगा। रिडक्शन साइज ऑफ टेस्टिकल, टेस्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। एक्नी आ जाएगा, प्री मैच्योर बाल्डनेस, यानी कि बाल वगैरह झड़ जाएगा। फीमेल के अंदर क्या दिक्कत है, मैस्कुलिनेशन, यानी फीचर्स लाइक मेल, फीमेल के अंदर मेल फीचर आ जाएगा, जैसे कि क्या आ जाएगा, फेशियल हेयर ग्रो हो जाएगा, फेशियल हेयर ग्रो हो जाता है अगर फीमेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड्स यूज करती है तो। अगला एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 डेज का होता है, सबको पता है ये नॉर्मल है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। इनलार्जमेंट हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी, फेस एंड बॉडी, डीपनिंग ऑफ वॉइस, जो फीमेल का वॉइस होता है हाई पिच होता है, हाई पिच यानी कि स्लो होता है, वो क्या हो जाएगा, लो पिच हो जाएगा, किसके वजह से, ड्रग्स यूज करने के वजह से। अगला है ऑटो इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी क्या है बच्चा, इम्यूनिटी जानते हैं आप सभी कि हमारे बॉडी का आर्मी सिस्टम है, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता। अब क्यों ऑटो इम्यूनिटी, यानी कि इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी का, उसको पता है कि कौन सा सेल हमारे बॉडी का है और कौन सा सेल बाहर का है। तो ये इम्यून सिस्टम अगर इस चीज को भूल जाएगा, अगर इस चीज को भूल जाएगा, वो खुद के ही सेल को मानने लगेगा कि ये बाहरी सेल है, ये डेंजरस सेल है, तो उस समय क्या करेगा, अपने ही सेल को क्या करने लगेगा, डेथ कराने लगेगा। एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज। देखिए मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स लाइक एनिमल्स, मैमल्स, डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल्फ सेल, यानी कि इम्यूनिटी ये पहचान पाता है कि कौन सा हमारे बॉडी का सेल है और कौन उसके बाहर का सेल है। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, बॉडी अटैक, अगर ये खुद को भूल जाए, ये जो डिफरेंस निकाल रहा था, ये डिफरेंस निकालना भूल जाए, उसी को हम लोग ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। उस दौरान क्या होगा, जेनेटिक है, इसका जो रीजन है वो जेनेटिक है। एग्जाम्पल रूमाथॉइड आर्थराइटिस, यानी रूमाथॉइड आर्थराइटिस यानी कि जो ज्वाइंट्स पेन है ना, वो पेन होने लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जहां भी आपका ज्वाइन है वहां पे होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब ये जो इम्यूनिटी है इस साइनोवियल मेम्ब्रेन को ही डिग्रेड करने लगेगा, जिसके वजह से आपका जो खुद का सेल है वही मरने लगेगा, यानी आपका इम्यूनिटी जो आपका रक्षक था वही अभी आपका भक्षक बन गया, जिसके वजह से आपका खुद का जो सेल है वो डिग्रेड होने लगेगा। इसी को हम लोग ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। और यहीं पे आज का सिलेबस जो है खत्म हो गया, मिलते हैं अगले वन शॉट में। थैंक यू, हर हर महादेव। बंद करो।